के दौर में लगातार ट्रैफिक पुलिस व पुलिस के अधिकारियों की ओर से जागरूकता फैलाए जाने का कार्य किया जा रहा है। कहीं चौपाल लगाकर तो कहीं बैठक आयोजित की जा रही है। यातायात माह के दौरे में पांचवे दिन यातायात प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे की ओर से आम जनमानस को जागरूक किया गया। ईशा नदी पुल पर बड़ी संख्या में आने जाने वाले यात्रियों को रोका गया और इन सभी राहगीरों को रोककर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात नियमों को बताया गया, संदेश लाइट और सूचनात्मक संदेश क्या होते हैं इनके बारे में जागरूक किया गया, हेलमेट की महत्वता क्या है, साथ ही सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए, इन सब बातों को बताया गया। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे लोगों को यातायात माह के दौरे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वहीं क्षेत्राधिकारी भूगांव की ओर से भी स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी भूगांव अमर बहादुर सिंह की ओर से विद्यालय में जाकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम किया गया। वहीं बीजेपी कार्यालय पर भी यातायात नियमों की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सैकड़ों लोगों को पीटीओ कौशलन सिंह की ओर से यातायात नियमों का पालन कराने की शपथ दिलाई गई। यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया और यातायात नियमों के पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया।